हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी लाइकिंग की है, इतने कमेंट्स किए हैं और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को। सब्सक्राइबर थोड़े से कम है हमारे, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये डिश वॉशर की डीप क्लीनिंग हम कैसे करें, जो हमें 4 से 6 महीने में जरूर करनी होती है, ठीक है ना। हाँ तो जी, इसके बिल्कुल। अंदर डिफरेंट टाइप्स के रेजिड्यूज और जो खाने का वो है वो जम जाता है, इसके जो पाइप्स हैं, इसके जो स्प्रे आर्म्स हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम फिल्टर को कैसे साफ करें, स्प्रे आर्म्स को कैसे साफ करें, रबर की स्टीम जो सील्स को भी। हम कैसे साफ करें, हाँ मतलब कि टोटल क्लीनिंग हम डिश वॉशर की कैसे करें, जो बहुत जरूरी है इसकी मेंटेनेंस के लिए। फुल बॉडी फुल बॉडी, जी, आज तो इनको नहला हाँ देंगे। बिल्कुल, चमक जाएगा। तो जो भी आपकी डिश वॉशर की बॉडी पे आपको जो भी डर्ट, डस्ट और येलोनेस है, इसका पीलापन है, इस क्लीनिंग के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और एक और जरूरी बात, ये हम बिल्कुल ही सस्ते मेथड से करेंगे, जो भी आपकी किचन में अवेलेबल है, जैसे बेकिंग सोडा और विनेगर को यूज करके हम इसको, व्हाइट वाला हाँ व्हाइट वाला, इसको यूज करके हम क्लीनिंग करेंगे। वरना जैसे फिनिश की, फॉर्चून की, जो भी रेडीमेड इसके लिक्विड भी आते हैं, बट उसको ना यूज करके आज हम अपनी किचन में जो अवेलेबल है उसको यूज करके करेंगे। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। करते हैं और ये ओपन कर लिया है। तो इसको साफ करने से पहले मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे जो बर्तन हम इसमें रखते हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं और वो क्योंकि कैसे। इस कॉर्नर पे तो पानी आता नहीं है ना, तो इस पे यूं के यूं जमे हुए हैं। देखो हाँ जी, ये जैसे रेजिड्यूज यहाँ पे हैं, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, बंद होने के ये बाद यहाँ पे देखिए। नहीं दिखता है। हाँ जी, इधर आइए, ये देखो। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो ये रबर सील है इसमें भी जो है पानी नहीं जाता, तो इसमें भी ऐसे हाँ, ये ये देखिए पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर। पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, इनको भी आज हम साफ करेंगे। साथ ही ये जो इसकी बॉडी है, इस बॉडी पे भी देखिए आप कैसे ये इसका मैल सा जो है जमा हुआ है, तो वो सब जो है हम इसे विनेगर से और इसे साफ करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसको हम इस ट्रे को बाहर निकाल देंगे। ट्रे को बाहर निकालने के बाद आप देखिए ये जो है यहाँ पे आर्म आइए। जो इसकी हाँ स्प्रे आर्म है उसके नीचे देखो, हाँ जी, अब इस तो स्प्रे आर्म्स को निकाल देंगे। अब इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम पुल करेंगे तो ये निकल जाएगी, हाँ बस जी, ऐसे ये ये किया। बाहर ठीक निकल। है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है इसकी वजह से, और बैक साइड में जैसे नीचे की तरफ भी ये है। ठीक है, ये पूरा इसका ये गंद किया जमा रहा है। हुआ है, आप हाँ लोगों ने जी, तो नीचे की साफ किया ही तरफ। नहीं अब तक गुरुदेव। हाँ जी, ये काफी टाइम हो गया, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने छोड़ा हाँ, हुआ क्योंकि और था। ये देखो क्या हाल है, इसके नीचे पूरा हाँ, ब्लैक जमा हुआ है। ठीक, तो देखो ये यहाँ पे कैसे काला हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको ब्यूटी प्लस वाली तस्वीर नहीं दिखाना चाहती थी, मैं आधार कार्ड वाली तस्वीर दिखा रही हूँ कि अगर हम इसको ज्यादा टाइम में साफ करेंगे तो इस तरह से ये जो है सारा जम जाएगा। अब इसके ऊपर वाले अब स्प्रे आर्म हम निकालेंगे। हाँ जी, ये भी, इसको थोड़ा सा आप ये, रोटेट करें हाँ और जी, इसको पुल कर लें नीचे, बस ये आर्म ये बाहर हो आ गया। जाएगी इस ठीक है तरह ना, से। तो ये नीचे की तरफ जो इसके दिया गया है फैन इसको सा, ठीक रोटेट है, करेंगे तो इसको हम निकल रोटेट आएगा। करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे लगा हुआ था तो इसको हम यूं रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये हमने निकाल लिए हैं, उसके बाद अब हम इसका जो फिल्टर है, ठीक है ना, इस फिल्टर को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। अब ये देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि बर्तनों में चिकनाहट होती है। चिकनाहट क्या है कि काफी गर्म पानी तो ये चलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, जैसे चाय पत्ती है या कुछ और, हमारे खाने में घी है, तेल है, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होती हैं, जमा होती चली जाती हैं। और हमारा जो अंदर फिर ये ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइप बाहर जा करके वहां पानी निकालती है, उसमें फिर ये धीरे धीरे जम जाएंगे। जम जाएंगे तो वो क्या हो जाती है, ब्लॉक ब्लॉक हो होना जाती शुरू है, कर देते आपका हैं। ड्रेन पंप काम नहीं करेगा। ये देखो स्टील बॉडी है इसकी, बट कुछ डिश वॉशर जैसे प्लास्टिक बॉडी भी होती है, तो उसको ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है। ये तो चमक रहा है साइडों से, तो हाँ फिर जी, भी ये बिल्कुल साफ है। अब इसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए मैंने ये बर्तनों को साफ करने वाला जो लिक्विड होता है वो मैंने ले लिया है, और टूथब्रश ले ली है। टूथब्रश नहीं है तो मैं ज्यादातर अपने जो हमारा स्कॉच ब्राइट का ये होता है उसे साफ करती हूँ। उसके लिए अब सबसे पहले हम ये जो फिल्टर हैं इनको निकाल लेंगे। इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो आपको बना के दिखाई थी, तो उसमें भी आप इसको डीपली देख सकते हैं अच्छे से, उसमें मैंने सारा प्रोसीजर इसका बताया कि है। कैसे आपको रिमूव करने हैं हाँ ये। जी, ये यहाँ पे इसका ये एक लॉक होता है, इसको हम ऐसे दोनों तरफ से पुश करेंगे तो ये निकल जाएगा।
ये जो है टाइम टू टाइम मैं साफ करती रहती हूँ, 5-7 दिन में जैसे हफ्ते भर में, तो इसलिए जो है फिल्टर है इसमें, इसको बोलते हैं कोर्स फिल्टर। हाँ जी। और ये जो स्टील, ये जो है स्टील का, इसको बोलते हैं फाइन फिल्टर, और ये बिल्कुल माइक्रो फिल्टर है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके रोकता है। हाँ जी, ये माइक्रो फिल्टर है, इसको भी हम ऐसे साफ कर लेंगे। तो ये आपको 2-4 दिन में जरूर साफ करने हैं। हाँ जी, ये अभी मैंने साफ किए थे तो ये ज्यादा गंदा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं 2-4 दिन में जैसे बर्तन निकालती हूँ तभी साफ कर लेती हूँ। और इसको भी हम ऐसे फिर ये साफ कर देंगे ऊपर नीचे से। उसके बाद ये जो इसकी स्प्रे आर्म से इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है, इनको भी हम ऐसे अच्छे से साफ कर देंगे। इसको हमने अच्छे से स्कॉच ब्राइट से साफ कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके जो पार्ट हैं, अभी ये देखिए यहाँ पे हम, मेरा हाथ नहीं गया है या इससे अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसको हम किससे साफ करेंगे, इस ब्रश से साफ कर लेंगे ऐसे। और अंदर की तरफ जो इसके ये होल्ड हैं, इन होल्ड में भी हम अच्छे से इसको ब्रश को लगा के कर देंगे। इसमें और इसमें, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो कि कैसे ये जो है साफ हो गया। अब हम दूसरे को करेंगे। हमने इसका ये पूरा निकाल लिया है और इसको भी हम ऐसे इसको साफ कर दें, ठीक है, ये हमने वापस डाल दिया। ये अपने सारे जो साफ हो गए हैं, ठीक है, इनके विंग्स भी और ड्रेनेज फिल्टर भी। अब इसको हम वापस डाल लेंगे, ये हमने डाल दिया, ठीक है, अब इनको उसमें वापस डाल लेंगे। इनको डालने से पहले अब हम इसकी अंदर की जो बॉडी है उस बॉडी को साफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए नीचे तो हम इसको स्कॉच ब्राइट को ले लेंगे अच्छे से। ये जो देखो, ये जो जाली है, ठीक है ना, प्लास्टिक बॉडी है ये यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे अच्छे से इससे साफ करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम ऐसे अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे। पूरी बॉडी को स्कॉच ब्राइट से हम साफ कर लेंगे। जो फोम वाली साइड है भाई, उसे इसको हमने साफ करना है, नहीं तो क्या है, स्कॉच ब्राइट इस पे स्क्रैच लगा देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यूज जो कर रखा है उसको हम यूज कर लें तो वो भी नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमने सारा इसका साफ कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अब हम जो इसकी बॉडी सील है, ठीक है ना, ये देखिए रबड़ की जो सील है, इस रबड़ सील को हम किससे साफ करेंगे, इससे साफ करेंगे ऐसे इसको ब्रश। उसके बाद ये इसका नीचे वाला जो विंग्स हैं, ये हो गया। उसके बाद ये जो है, ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हम ये विनेगर लेंगे लगभग 1 कप के आसपास, ये हमारा छोटा ग्लास है, ये जो है इतना हम इसमें विनेगर ले लेंगे। और इस विनेगर को हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर रख देंगे ऐसे, इसके साथ यहाँ रखा ऐसे रख देंगे, ठीक है। और ये अपनी ट्रे जो है हमने इसमें रख दी है और विनेगर रख दिया है, उसके बाद हम इसको चला देंगे। तो उसके बाद अब हम इसको चलाएंगे किस पे, जो सबसे लंबा हमारा साइकिल है, तो हमारे इस सीमेंस वाले में हमारा सबसे लंबा साइकिल है इंटेंसिव प्लस का, ये रहा। तो अलग अलग जो मॉडल्स हैं उनमें अलग अलग हैं, दूसरे वाले का हमें नहीं पता, तो आपके में जो भी मॉडल, जो भी साइकिल सबसे लंबा है
वो आप चला लेंगे, और जिसमें टेम्परेचर भी हाई हो तो उसके हिसाब से आप उसको चलाएंगे। तो ये मैंने अब इसको चला दिया है, ये अब इसको साफ करने का काम करेगा। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को निकालने का, और गर्म पानी एक तरह से आएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो उसके कारण से वो सारी जो चिकनाहट है या यूँ कहें कि जो डस्ट है वो सारी धुल के बाहर निकल आएगी। हाँ जी, ये अपना विनेगर वाला जो साइकिल था वो पूरा हो गया है। इसको अब ओपन करके देखते हैं, ये लो। ठीक है, अब ये जो हमने गिलास रखा था विनेगर डाल के, इसमें पानी भर गया। ये मत समझना कि ये विनेगर ही है, ये एक्चुअली पानी है, देखिए गरम। अब जो दूसरा साइकिल है इसका, अब वो करेंगे हम बेकिंग पाउडर का। उस बेकिंग पाउडर को हम ये इतना सा बेकिंग पाउडर ले लेंगे और उसको इसके अंदर से छिड़क देंगे। ये ऐसे लेंगे और इसको इसके अंदर से, साइकिल में हम कोई भी दूसरा कम टाइम वाला जो है चला देंगे, जैसे हम कर देंगे क्विक पे। क्विक जो है टाइम कम लेगा और इस तरह से जो है जल्दी भी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये बेकिंग पाउडर वाला जो साइकिल है वो करके, उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो भैया अपना पूरा साइकिल हो गया है, दोनों ही विनेगर का भी और बेकिंग पाउडर का भी। ये देखो भाई, बिल्कुल चमक गया है, शाइनिंग आ गई है भाई, वाकई में दिल खुश हो गया। ये देखो सारी दीवारें कैसे चमक रही हैं, स्टील में बिल्कुल शाइनिंग आ गई है।